नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो तो लेफ्ट ओवर वालों जो परीक्षा का मैंने दिखाया था परसों, आपको रात में दिखाया था, आप लोगों के पास पहुंचा है, तो उस पर बहुत सारे क्लियरिफिकेशन है। कुछ बहुत सारे लड़कों को कन्फ्यूजन है, एक एक चीज़ को समझिए आप तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये लेफ्ट ओवर वाले लड़के और एनुअल वाले लड़के वो लड़के हैं, तो ये किनके लिए है? बहुत सारे लड़कों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से टाइम टेबल को देखिएगा, एक एक चीज़ को मैं एनालिसिस करके आपके सामने ले आ रहा हूँ कि एडमिशन ईयर 2018 के स्टूडेंट के एनुअल सिस्टम, दो ईयर टेट और एडमिशन ईयर के 2019 के सभी टेट के परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। 2018 एनुअल वाले लड़के सेकेंड ईयर, दूसरे जो है तो जिनका दो ईयर का है टेट, दूसरा जो है तो एडमिशन ईयर 2019 के सभी टेट के परीक्षा के बैठने में वो होंगे, पात्र होंगे, परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा देखिए प्रदेश वर्ग, इसके अलावा देखिए कि प्रवेश वर्ष 2018 उसी से मिला जुला है कि जो छात्र हैं जिनका निम्नलिखित बचे हुए मामले, माने बचा हुआ जो मामला है, दो वर्षीय टेट वाले, दोनों वर्ष वाले और सभी प्रवेश वर्ष 2019 के टेट में भी जो परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र होंगे, ये सभी लोग जो है तो जो वर्ष 2019 से टेट में भी परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र होंगे, जिनका प्रवेश 2019 में हुआ था और 18 में हुआ था। ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए कि वो क्या कह रहे हैं कि जिन स्टूडेंट को माननीय के निर्देशों के बाद, देखिए इसको कह रहे हैं, इसको अब एक एक पॉइंट को समझिएगा कि केस हुआ था, है ना, इलाहाबाद में केस हुआ था और वहाँ हुआ था, आपके बिहार में केस हुआ था कि जिन लड़कों को पोर्टल पे नाम नहीं चढ़ पाया था तो उनका केस हुआ था, तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि जिन स्टूडेंट को माननीय निर्देशों के बाद पोर्टल पर देर से प्रवेश किया गया था, उन स्टूडेंट को पोर्टल पर सत्यापन एवं अनुमोदन जिनका विलम्ब हुआ था, जिन स्टूडेंट का, तो उसके कारण वो अब एलिजिबल होंगे लड़के जिनका केस हुआ था, ठीक है, वो लड़के, बाकी लड़के नहीं जो केस में गए हुए थे और कोर्ट का निर्देश आया था, वो वाले लड़कों को बोल रहे हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट, ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसको सुनिएगा हर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट अपनी उपस्थिति के कारण मुख्य परीक्षा के लिए पात्र नहीं थे, जिनका 80% से कम अटेंडेंस थी, उनके लिए बोल रहे हैं कि अब वो पात्र होंगे लड़के। लेकिन उसमें भी क्या बोल रहे हैं कि स्टूडेंट जिनकी पात्रता आईटीआई द्वारा नहीं की गई थी या अनुमोदित नहीं की गई थी वो भी लड़के, और जिनकी 80% के न्यूनतम उपस्थिति मापदंड के नीचे थी, पात्र नहीं थे, वो भी दे पाएंगे, और वो भी स्टूडेंट जिनकी जो है तो पात्रता आईटीआई द्वारा नहीं बनाई गई थी या अनुमोदन नहीं किया गया था, जिन स्टूडेंट की सीवीटी फीस नहीं जमा हुई थी, सीवीटी फीस बोल रहे हैं कि नहीं जमा हुई थी, ठीक है ना, अगर आपका प्रवेश हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था, उन स्टूडेंट के लिए है ना, जो बाहर का बैठाने की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा चलने लगी अभी, कल से मेरे पास आया कि सब फर्स्ट ईयर में भी बैठा दे रहे हैं, सेकंड ईयर में भी बैठा दे रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के जो है तो लड़कों से पैसा मांग रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो कन्फ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं कि जिन स्टूडेंट की सीवीटी फीस नहीं जमा हुई थी, प्रवेश सत्र 2022 के स्टूडेंट को द्वितीय वर्ष परीक्षा की, समझिए, जिन स्टूडेंट की सीवीटी फीस नहीं जमा हुई थी, प्रवेश जिन्हों 2022 के स्टूडेंट हैं, द्वितीय वर्ष की जो परीक्षा थी उनको एलिजिबल कर रहे हैं, जिनका माने रजिस्ट्रेशन सब हो गया, तो द्वितीय वर्ष वाले थे जो बचे हुए लड़के थे, ठीक है ना, डायरेक्ट एडमिशन करके वो आगे बढ़ने के लिए नहीं। मणिपुर के स्टूडेंट जिनकी परीक्षा जुलाई 2023 में आयोजित नहीं की जा सकी थी, वो भी लड़के इस परीक्षा में बैठेंगे, और जनरली ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं तो मणिपुर के स्टूडेंट के कारण हो रही है, जो वहाँ दंगा फसाद हुआ था उसके चक्कर में हुआ था। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, देखिए अब जो दो तरह के लड़के हैं, उन दो तरह के लड़कों में सबसे पहले देखिए कि जो टाइम टेबल बनाया गया है उसमें लेफ्ट ओवर के जो लड़के हैं उनके एग्जामिनेशन, उनके जो परीक्षा का कार्यक्रम है वो इस प्रकार है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये है लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग एग्जामिनेशन, जो लेफ्ट ओवर वाले लड़के हैं जिनका 11 अक्टूबर 2023 में पहली बार
हॉल टिकट से पहले प्रोफाइल का सत्यापन होगा ट्रेन के द्वारा, जिनका हॉल टिकट में जिनका प्रोफाइल गलत है उसके लिए सत्यापन के लिए मौका दे रहे हैं 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर लेफ्ट ओवर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, उनके लिए, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए तो 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक 2023 के दौरान जिनकी प्रोफाइल में शिकायत थी उनके समाधान के लिए ITI RDSDE एंड NPIU ये लोग समाधान करेंगे 11 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक लेफ्ट ओवर, ध्यान दीजिएगा बार बार बोल रहा हूँ, 19 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2023 तक पात्रता की एलिजिबिलिटी के लिए शुल्क जमा करना प्रैक्टिकल और CBT परीक्षा के लिए, किसके लिए, लेफ्ट वाले लड़के जिनका प्रैक्टिकल और CBT परीक्षा जमा होगी ITI के द्वारा वो होगी 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, ध्यान दीजिएगा ये लेफ्ट ओवर वाले लड़के हैं। इसके बाद आ जाइए अब सप्लीमेंट्री वाले लड़के जो हैं, पूरक वाले जो लड़के हैं, सप्लीमेंट्री वाले लड़के हैं उनकी बात हो रही है, तो उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 नवंबर से 10 नवंबर 2023 तक प्रैक्टिकल और CBT के फीस की भुगतान होगी ITI वाला करेगा आपका, तो आपको पहले पैसा जमा कर देना है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए ये नवंबर में जो मैंने बताया ना कि 1 नवंबर से 10 नवंबर ये सप्लीमेंट्री वाले लड़कों का है, अब आ जाते हैं कि प्रैक्टिकल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एग्जामिनेशन होगा लेफ्ट ओवर एंड सप्लीमेंट्री एग्जाम जो होगा लड़कों का उसके बारे में, तो बचे हुए पूरक के लिए प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षाओं का जो टाइम टेबल होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, कैसे होगा भाई साहब कि 15 नवंबर से 18 नवंबर प्रैक्टिकल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम सेंटर की मैपिंग होगी जो स्टेट डायरेक्टर करेगा, ठीक है, स्टेट के द्वारा होगा। 19 नवंबर से 24 नवंबर तक प्रैक्टिकल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की एग्जामिनर की मैपिंग होगी, इसको नोडल करेगा जो एग्जामिनर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है तो 23 नवंबर 2023 को प्रैक्टिकल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग हॉल टिकट जनरेट होगा, डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट 23 नवंबर में। इसके बाद 1 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच जो है तो प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जामिनेशन स्टेट द्वारा होगा, करवाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 से 6, फिर 1 से 8 तारीख तक मतलब 2 दिन मिलेगा अपलोड करने के लिए, किसको, प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग के का जो एग्जामिनर है, जो एग्जामिनर रहेगा वो इन दोनों नंबर को जो है तो अपलोड करेगा 1 दिसंबर से लेकर के 8 तक, आपकी परीक्षा 6 को होगी और 1 से 6 होगी और 1 से 8 जो है तो ये अपलोड करने के लिए होगी। इसके बाद 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में जो अप्रूवल करेगा प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग की वो करेगा कौन, नोडल वाला करेगा। इसके बाद 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक में जो है तो अप्रूवल कौन करेगा प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वो करेगा SPU मतलब स्टेट करेगा। इसके बाद आ जाते हैं CBT एग्जामिनेशन को लेकर के लेफ्ट ओवर और सप्लीमेंट्री वाले जो लड़के हैं, यहाँ पे 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में CBT का एग्जाम के सेंटर की मैपिंग होगी, ठीक है, एजेंसी के द्वारा, ये CBT एग्जाम की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट ओवर सप्लीमेंट्री। इसके बाद 4 दिसंबर को CBT का हॉल टिकट जनरेट होगा, डाउनलोड लड़के कर सकते हैं। इसके बाद 10 दिसंबर को जो है तो परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी एग्जामिनेशन बाई एग्जाम वाली एजेंसी को, तो आपको 10 दिसंबर का पेपर होगा CBT का लेफ्ट ओवर वाले लड़के और ये वाले जो लड़के हैं। लेटेस्ट जो है तो होगा और 26 दिसंबर को जो है तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा DGT, पहले भी कर सकता है, 2-4 दिन आगे पीछे चलेगा, लेकिन उन्होंने अपना बनाया है कि 26 दिसंबर के पहले पहले कर दें। एक चीज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ दे रहा हूँ कि नोट, उन छात्रों के लिए जिनकी मुख्य परीक्षा के दौरान उपस्थिति 50% से अधिक नहीं थी, ध्यान सुनिएगा, ITI आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं के आधार पर अपनी उपस्थिति को अद्यतन करने के सक्षम होंगे, मतलब जिनका 50% से अधिक नहीं थी क्या अटेंडेंस, उन लड़कों को निकाला जाता था, वो किया जाता था, उनको बोल रहे हैं कि उनको अगर अतिरिक्त कक्षाएं ITI वालों ने आयोजित करके पढ़ा दिया है उस आधार पर तो अपनी उपस्थिति को जो है तो वो ठीक करने के सक्षम में होंगे। ये बहुत बड़ी न्यूज है, इसको आप संभाल करके रखिएगा, दिखा दीजिएगा, ये DGT के लेटर पे है।
जिसको कोई बताया नहीं, कोई समझाया नहीं आपको। प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम ये देख लीजिए आप कि, और परीक्षा का वो जो है टाइम टेबल उसको देख लीजिए, जिसको ये बोल रहे हैं। अभी एक और सूचना दे रहा हूँ कि अखिल भारतीय टेस्ट प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुपूरक और बचे हुए के लिए कार्यक्रम है ये। अखिल भारतीय टेड टेक्स प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुपूरक और बचे हुए के लिए ये कार्यक्रम है। कौन से? CITS एंड DST के तहत वार्षिक माने एनुअल परीक्षा और इंजीनियरिंग के लिए और गैर इंजीनियरिंग के लिए टेट दिसंबर 2023 के महीने में आयोजित किए जाएंगे। कैसे? 1/12/2023 शुक्रवार को 10 बजे सभी टेट के इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 वर्षीय टेट के लिए और प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए, प्रशिक्षकों को मतलब छात्रों को 2018 और उसके बाद जो भर्ती कराया गया था 1 वर्ष की अवधि के लिए टेट, छात्रों को प्रवेश दिया गया था 2019 और उसके बाद, डिक्लेरेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, कंफ्यूजन ना खड़ा हो, इसलिए पूरी डिक्लेरेशन है और मैं भी आपको हिंदी में बता रहा हूँ। इसके बाद 1/12/2023 को शुक्रवार को 2:30 बजे के लगभग दोपहर में होगा, जिसमें सभी टेट के इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 वर्षीय, दूसरे वर्ष के छात्र 2018 और उसके बाद जो भर्ती कराया गया था, ठीक है, उसको 2/12/2023 शनिवार को 9:30 बजे होगा, 4 तारीख को भी होगा, 4/12 को होगा, सोमवार को वो भी 9:30 बजे से होगी आपकी। इसमें भी बोल रहे हैं कि सभी टेट के प्रैक्टिकल 2 वर्षीय के प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं 2018 और उसके बाद भर्ती कराया गया 1 वर्षीय अवधि में टेट, छात्रों को प्रवेश दिया गया 2019 और उसके बाद, 5/12/2023 को मंगलवार को बोल रहे हैं, 6/12/2023 को बुधवार को बोल रहे हैं, यह प्रातः 9:30 बजे से परीक्षाएं होंगी, जिसमें द्वितीय सभी टेडों के लिए टेड प्रैक्टिकल 2 वर्षीय टेडों के लिए, दूसरे वर्ष के छात्रों के लिए 2018 उसके बाद भी भर्ती कराया गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है और केवल प्रायोगिक परीक्षा के दौरान में जो है तो 1 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में भोजन अवकाश होगा। देखिए, मैंने इसको हिंदी में बताने की कोशिश किया और डिक्लेरेशन आपके साथ में के कौन से, अभी जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन खड़ा किया जा रहा था ना लड़कों को, वो कन्फ्यूजन आप यहाँ पे आप समझ लीजिए कि किसका किसका एग्ज़ाम होगा, किनका किनका एग्ज़ाम नहीं होगा। और आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बहकावे मत आइए, ये लेटर है, ये लेटर को डाउनलोड कर लीजिएगा, लेटर को डाउनलोड करने के बाद उसकी हिंदी करवा लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। आजकल गूगल ट्रांसलेट के द्वारा भी हो जाता है, तो उसको कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई ITI वाले आपको बहकाते हैं, कई ऐसे में दलाल एक्टिव हो जाते हैं, कई चीज़ें कहते हैं कि बाबू तुम्हारी भी परीक्षा, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका भी अब परीक्षाएं की बात हो रही है। तो कल मेरे को इतने सारे फ़ोन आए, जबकि मैंने मना किया, लोगों को मैसेज आए कि सर वो ये ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है कि डायरेक्ट फर्स्ट ईयर भी हो जाएगा, डायरेक्ट सेकंड ईयर भी हो जाएगा आपका, वो लड़कों को चढ़ा रहे हैं। अरे भैया, जो कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश के वो लड़कों को बता दिए हैं कि किन किन लड़कों को आना है, ठीक है ना, जिनका क्या हुआ था, कोर्ट केस हुआ था, जो कोर्ट केस में गए हुए थे उनको बोल रहे हैं, सबको नहीं बोल रहे हैं कि सब लड़के जो है तो बिल्कुल पूरे दुनिया भर के लड़के आ जाएंगे, कोई सब कुछ आ जाएगा, ऐसी चीज़ों को लिए नहीं है, है ना, पर्टिकुलर लोगों के लिए है, ठीक है, जिनके बच्चे नहीं चढ़े थे। अब आप वहाँ पर जा कर के कि आप चढ़वा लोगे तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ना आपकी परीक्षाएं होंगी, ना आपका रिजल्ट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए इसको आज दोबारा दिखाना पड़ा, बताना पड़ा कि अगर कोई इस लालच से आपको ले रहा है कि मैं आपको अभी सेकंड ईयर करवा दूंगा, फर्स्ट ईयर करवा दो, रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जिनका रजिस्ट्रेशन अभी करवाओगे आप, बैक डेट पे करवाओगे, जैसा भी करवाओगे, एडिट करवाओगे, पकड़े जाओगे, FIR होगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे आगरा के कई लड़कों का फंसा हुआ था, ऐसे ही उनके ऊपर केस हुआ, आप देखो क्या होता है, ऐसे बहुत सारे लोगों को हुआ। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है, किसी के बहकावे में मत आइए, किसी को उसमें से मत आइए, आप अपने ITI वाले के पास जो पुराने लड़के हैं वहाँ जाइए और ये सब कुछ समझिए, कब है, क्या है, कैसे एलिजिबिलिटी किसकी हो रही है, किसकी नहीं। एक चीज़ और यहाँ पे बात बोल रहा हूँ, कई लड़कों का पिछले बार भी एग्ज़ाम में ऑनलाइन जो है तो उनका डेटा नहीं दिख रहा था पोर्टल पर, उनको बोल रहा हूँ भैया 1000-2000 ITI वाले को दो, मैं बोल रहा हूँ ITI वाले को दो, वो दिल्ली जाए,
और दिल्ली जा करके पोर्टल पर आपका नाम जो है तो नहीं शो हो रहा था, वो वहाँ पर दिखवा करके आए, बैठ करके नहीं होगा। अगर अभी नहीं हो पाया, मान के चलो 4-5 महीने 6-7 महीने से नवंबर से नहीं हो पाया है आपका, तो अब नहीं होगा किसी भी हालत में। रिस्क मत लो, जाइए करवाइए, नहीं तो फिर बाद में आप मुद्रा उठवाते रहिए, बुलवाते रहिए, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। अब डीजीटी बहुत सारी पारदर्शिता रख दी है, किसी की नहीं सुनने वाली है, जैसे बोर्ड पैटर्न पे आ रही है और एग्ज़ाम करवाएगी, कोई मर्सी नहीं, कोई दया नहीं है, किसी भी प्रकार का जो है तो आपको चांस नहीं दिया जाएगा। अभी तक सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट के लिए कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं की है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इन सब चीज़ों में आप आओगे तो आप अपना नुकसान करोगे, बाकी का नहीं करोगे, है ना। जिस तरह से मैंने अभी शो में दिखाया था कि बैक एंट्री पे कट रही है, और रसीद, भैया जाइए रसीद अभी भी कटवाइए, रसीद की कापी लीजिए और रसीद में साफ साफ लिखवाइए कि ये हमारा परीक्षा की फीस थी। और इसके बाद मैं हर एक स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि जब एलिजिबिलिटी होने लगे तो आईटीआई वाले के पास आपका हक है, जा करके देखिए कि आप एलिजिबिलिटी किया है, आपका फॉर्म भरा है, आपकी फीस भरा है कि नहीं, और उसको बोलिए कि लास्ट दिन को ना जाए, वो लास्ट दिन से 3-4 दिन पहले करे, फिर सर्वर बंद होगा, फिर कुछ होगी, फिर फीस नहीं जमा हो पाएगी। जो आईटीआई वाले करते हैं लास्ट के दिन जाते हैं, ये उनकी गलती, अभी तैयारी रखो, 2-3-4 माने जब बचे, शुरुआत हो उसके पहले कर दो आप, 5 दिन के पहले कर दो आप, खत्म कहानी। अगर ये सब चीजें गलत कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी रखो, वीडियो रिकॉर्डिंग भी रखो, सब कुछ रखो, केस करो, मुकदमा करो, जो चाहे तो करो, लेकिन अपनी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ आईटीआई स्टूडेंट ना करो। चाहे आईटीआई वाले गुस्सा रहे तो गुस्सा रहे मेरे ऊपर, है ना, कि आप इस तरह के लड़कों को सिखा रहे हो। जो भी है, आपको करियर को बर्बाद करने के किसी का हक नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा भी हो, माफिया हो, दलाल हो, है ना, उसको तो मैं बिल्कुल भी दिखाऊंगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि डंके की चोट भी अपने सामने करवाइए, सबकी रिकॉर्डिंग करिए और वीडियो रिकॉर्डिंग भी करिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करिए, और देखिए कि हमारा हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं तो देख लीजिए जिस तरह से सेमेस्टर वाले लड़के फंसे हैं ना, उसी तरह से आप लोगों का होगा। बाकी आप लोग जानिए, आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, देखिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लोगों तक जानकारी पहुँचे। भी बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं पहुँची है तो बड़ी दिक्कत होती है ना। बाकी आपकी जैसी इच्छा हो, आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूँ। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।